मनरेगा को नहीं चलाना चाहती है मोदी सरकार, मंत्री ने बताई वजह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में बड़ा बयान दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मनरेगा को लेकर बजट में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर इसे जनोपयोगी बनाया गया है। संसद में मनरेगा का उल्लेख करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह बहुत लोकप्रिय योजना है। एक समय था जब मनरेगा की बात आती थी तो अमानत में खयानत और खामियों की चर्चा होती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ऐसा नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा को लेकर संसद में मोदी सरकार की रणनीति एक तरह से साफ कर दी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा मनरेगा को चलाए रखने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए है और मोदी सरकार का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। दरअसल उन्होंने कहा, मनरेगा हमेशा चलती रहे, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मनरेगा गरीबों के लिए है और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो। तोमर ने कहा कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मनरेगा के बारे में आगे बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना से करीब 5 करोड़ श्रमिक जुड़े हुए हैं। एक तरफ मनरेगा के लिए आवंटन लगातार बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा को जनोपयोगी भी बनाया गया है। तोमर ने कहा कि मनरेगा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कुछ सीमा है जिसके अंदर में हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार मनरेगा को लेकर बेहद गंभीर है। जहां तक बजट में फंड की बात है कि साल 2018 से 19 के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे अब 2019 से 20 के बजट में बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसलिए मनरेगा में आवंटन कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।